मध्य प्रदेश में मछली पालन से दोगुनी कमाई का लालच देकर कई किसानों से कथित तौर पर करोड़ों की ठगी कर ली गई। बकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कागजात बने, यहां तक कि शमशाबाद से बीजेपी विधायक भी इस जाल में फंस गए। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी राजस्थान और यूपी में भी फिशरीज कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। इन तालाबों से लाखों की कमाई का वायदा था, लेकिन शांतनु शीलेंद्र जैसे कई किसानों के अलावा शमशाबाद से बीजेपी विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के लाखों रुपए पानी में बह गए। अकेले विदिशा में लगभग 100 से ज्यादा लोग मछली पालन में लाखों रुपए लगा चुके हैं। किसानों से कहा गया था वो अपनी जमीन में मछली पालन के बड़े कारोबार का प्रोजेक्ट लगाकर आय दोगुनी कर सकते हैं। इसके लिए फिश कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मिंग के नाम पर प्रति एकड़ पर 5 से 10 लाख रुपए का निवेश करवाया। कहा एक साल में रकम दोगुनी हो जाएगी। किसानों को ये 20 महीने में दुगनी राशि लगभग मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का स्कीम बताई थी उन्होंने, उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया था किसानों से, और उन्होंने कहा था कि हम आपको 60,000 रुपए, 5.5 लाख रुपए जमा करने पे 60,000 रुपए महीना देंगे, तालाब बनवा के देंगे आपको, इसमें मछली का बीज डाल के देंगे, स्पेशलिस्ट यहाँ पे आके निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे। पर जो उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया था उसका उन्होंने बिल्कुल भी पालन नहीं किया। जी जी बिल्कुल, यही बताया गया था कि अगर आप 5,50,000 रुपये का निवेश करेंगे तो आपको 11 से 12 लाख रुपये मिलेंगे 15 महीने के अंतराल में, और हम इसके बाद न्यायालय की शरण लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि पूरे सिर्फ मध्य प्रदेश, विदिशा जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में, भारत देश में कई जिले हैं, कई प्रदेश हैं जहाँ पे इस टाइप के प्रताड़ित किसान हैं, और ये हजारों की संख्या में है। ठगी की शिकार बीजेपी विधायक भी हुई, उनके परिजनों ने भी स्कीम में लाखों रुपए लगा दिए। इन्होंने 11 लाख रुपए, एक तो 11 लाख रुपए की स्कीम थी और एक 5.5 लाख की स्कीम थी, उसके थ्रू इन्होंने पैसे लगवाए। जब मुझे ये लगा कि अब ये पैसे वापस नहीं आ रहे, तो काफी सारे लोग इसमें मेरे पास आने लगे कि क्या आपके पैसे वापस आए। 70% लोग काफी गरीब किसान जिनके खेत होंगे, उन्होंने तालाब के माध्यम से, फिश फॉर्चून के माध्यम से शायद एक बिजनेस करना चाहा, कुछ अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहा, ऐसे लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच के, अपनी जमीन रहन रख के और फिश फॉर्चून में पैसा लगाया। हम लोग चेक बाउंस का रिपोर्ट कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। कुहे फिजा में वो लोग जब अपने चेक बाउंस की रिपोर्ट लेके पहुंचे और उन्होंने बताया, तो FIR नहीं की गई। जब हम CM के पास जाएंगे तो हम वहां से हरियाणा CM को भी इस बात की तो खबर करें। पुलिस के पास स्कीम के ब्रोशर, बैंकों के फर्जी FDR चेक और अहम दस्तावेज पहुंचे हैं, जिसमें बताया गया है कि आधा और 1 एकड़ जमीन पर तालाब बनाने वाले हैं। इसमें 5,50,000 के निवेश पर 19 महीने तक 60,000 रुपए देने का वादा था। दूसरे में 1 एकड़ जमीन पर 11,05,000 के निवेश पर 18 महीने तक प्रतिमाह 1,25,000 रुपए देने का वायदा किया गया था। कंपनी ने किसानों को विश्वास दिलाया कि जमा राशि का FDR बनाकर देंगे, साथ में PDC चेक देंगे। कंपनी के समय पर भुगतान नहीं करने पर FDR से राशि निकाली जा सकेगी, लेकिन पुलिस ने 2 दिनों में पार्टनर्स का झगड़ा बताकर कंपनियों को क्लीन चिट दे दी। कुछ किसानों ने हमें बताया कि पिछले साल मछली पालन के नाम पर राशि दोगुनी करने के प्रलोभन की शिकायत मत्स्योद्योग विभाग को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों की जो आशंकाएं हैं, कम से कम इस रवैये से वो कम तो नहीं होने वाली। शमशाबाद से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।